अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 31 ऑफ क्लास फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 एंड वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर एक्सरसाइज 5.2 and the topic is factors of expression reducible to the form of a square minus b square। जो factors होंगे expression होगी algebraic expressions, हम उसको reduce करेंगे a square minus b square वाले formula के ऊपर। As we know that we have discussed about factorization of algebraic expression reducible to the form of a square minus b। Then we recall the factors a square minus b square के डियर स्टूडेंट्स a माइनस b और a प्लस b होते हैं। तो कंसिडर फॉलोइंग सम एग्जाम्पल्स हीयर। एग्जाम्पल नंबर वन इज हीयर फैक्टोराइज 9x square minus y square plus z square plus 6x into z। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इस 9x square minus y square plus z square plus 6xz को यहाँ पे हमें फोकस करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको बनाना है। किस तरह? ए 9x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x जेड को हमने एक साइड लेना है, माइनस वाई स्क्वायर दूसरी साइड, जबकि हम 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x जेड प्लस जेड स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम उसको ए 3x प्लस जेड होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे रख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गई, 3x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे बन गया फार्मूला जो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको रिड्यूस करेंगे इनके फैक्टर्स में जो बराबर होते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे 3x प्लस जेड प्लस वाई और 3x प्लस जेड माइनस वाई। इसी तरह दिस वी कॉल द फैक्टर्स एंड दिस विल बी रिड्यूस इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। सो अनदर एग्जांपल इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इस हिसाब से इसको प्लस भी करेंगे, इसको माइनस बी फॉर्म में भी रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे और अब यहाँ पे 2x जो है 2xy इसको अंदर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस जेड बाहर निकालेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अंदर लेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला आप बनाएंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इसी तरह एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये जो है रिड्यूस हो सकता है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस जेड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। तो इस हिसाब से वी कैन रिड्यूस दिस बाय द फार्मूला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनदर फैक्टराइज एक्स पावर 4 प्लस 4 वाई पावर 4। एक्स पावर 4 को हमने जो है बनाना है एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। वी मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऐड करना है 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका जो कंप्लीट फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इस तरह से हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको रख लिया, तो माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो हम 4 को 2x वाई इंटू होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए बराबर हो गया और यहाँ पे 2xy ये बराबर b के हो गया। तो अब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक प्लस का हो गया, इस तरह से एक माइनस का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो यहाँ पे दो रिड्यूस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई, इसको हमने जो है अंदर रख लिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। इसी तरह 5.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजॉल्व इन फैक्टर्स, हमें इसी तरह यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने, इनके ए स्क्वायर माइनस इसी तरह उस तरह रखना है कि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज फॉलोइंग भी क्वेश्चन नंबर जो लास्ट मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 किया, उस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा कम्प्लीटली सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये असाइनमेंट है एक्सरसाइज 5.2 जो आपको हल करनी है, एंड सेंड यू हैव टू सेंड दिस एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट इन द ग्रुप। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।